बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का आज हो सकता है ऐलान। आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में 5 से 7 चरणों में हो सकता है चुनाव। 7 से 10 अप्रैल के बीच हो सकता है पहले चरण का मतदान। सभी विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती एक ही दिन हो सकती है। 1 मई से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना। शाम 5:30 बजे टीएमसी के बड़े नेताओं की बैठक। सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की बैठक बुलाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनावी अभियान। पंचकोटा में स्मृति ईरानी ने किया रोड शो। परिवर्तन यात्रा में बड़ी तादाद में जुटे समर्थक। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता सरकार ने जनता की योजनाएं रोकी हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, सेवा से नहीं। जी हिंदुस्तान से बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव पर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने उठाए सवाल। कहा बंगाल में निष्पक्ष चुनाव बड़ी चुनौती, पहली बार बंगाल की जनता बिना किसी दबाव के डाल पाएगी वोट। दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बंगाल में पीर जादा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान। गठबंधन में पीर जादा की पार्टी को 30 सीटें मिली। अब कांग्रेस, पीर जादा और लेफ्ट मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बंगाल में कोयला घोटाला और पशु तस्करी मामले में कार्रवाई। कोलकाता, आसनसोल समेत कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने ली बीजेपी की सदस्यता। कई और भी बड़े नाम ले सकते हैं सदस्यता। केरल में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रस्सी से खींचा ऑटो। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साइकिल से विधानसभा पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। तमिलनाडु के एमजीआर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल में भारत ने दुनिया की मदद की। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट के बाद अब भारत पर है दुनिया की नजरें। भारत के युवाओं से दुनिया को उम्मीद। कश्मीर के गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने किया इसका उद्घाटन। खिलाड़ियों को बताया आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर। गुजरात निकाय चुनावों में सफलता से गदगद अरविंद केजरीवाल। जीते गए पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा अगर आपने अच्छा काम किया तो 2022 के दिसंबर में गजब की क्रांति आएगी। एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के साथ की 1.5 घंटे तक फोन पर बात। कहा जरूरी है संघर्ष वाली सभी जगहों से डिसएंगेजमेंट। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ आज। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सेना के शौर्य को सलाम। 2019 में सेना ने लिया था पुलवामा का बदला। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़े और 350 डेटोनेटर जब्त किए गए। दीप सिद्धू की याचिका पर फैसला आज। 30 हजारी कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। लाल किला हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। राजस्थान में राकेश टिकैत का सरकार पर बड़ा हमला। कहा एमएसपी की आड़ में चल रहा है लूट का कारोबार। किसान आंदोलन के लिए पंखा कूलर बनाने का काम शुरू। अमृतसर में आर्मी के रिटायर जवान किसानों के लिए बना रहे हैं पंखा। जीएसटी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद है। देश के कई व्यापारी संगठनों और ट्रांसपोर्टर्स ने किया बंद। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद का किया समर्थन। शाम 8 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला। बंद का राजस्थान के कारोबारियों ने किया विरोध। राजस्थान के व्यापारी ने कैट के रवैये और नीतियों पर जताई असहमति। व्यापारियों के भारत बंद का संयुक्त किसान संगठनों ने भी किया समर्थन। का किसान संगठन भी इस बंद का समर्थन करते हैं। मुंबई के विरार स्टेशन पर एक शख्स ने किया खुदकुशी की कोशिश। आरपीएफ ने बचाई शख्स की जान। दिल्ली में ऑफलाइन परीक्षा पर घमासान जारी। पेरेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली सरकार से ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग। 1 मार्च से होनी है 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा। देश में पिछले 24 घंटे में 16,577 नए कोरोना केस आए सामने। 120 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराया। पिछले 24 घंटे में सामने आए 566 कोरोना पॉजिटिव केस। 8 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा लोग नहीं कर रहे नियमों का पालन। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। बेवजह महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है।
महाराष्ट्र और केरल से यूपी आने वालों का कोविड टेस्ट होगा, एयरपोर्ट पर की जाएगी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा। राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दौर की बैठक खत्म, राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास पर मंथन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वाराणसी दौरा, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा कि सर्दी खत्म होने के साथ दाम कम होंगे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। पंचायत चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक, पंचायत चुनाव और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। उत्तराखंड को 5,400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की सौगात मिली, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। देहरादून के डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड वॉरियर्स को किया सम्मानित, चमोली हादसे में मारे गए लोगों को भी दी गई श्रद्धांजलि। मेरठ में रोडवेज की बस ने पुलिस जीप में मारी टक्कर, हादसे में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, बस चालक मौके से फरार। आगरा में लव जिहाद का मामला एक बार फिर आया सामने, बुर्का पहनाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया मेहताब। तेलंगाना और मुंबई में यूपी एटीएस ने की कई ठिकानों पर छापेमारी, गिरफ्तार हुए 3 चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद छापेमारी हुई है, जासूसी के आरोप में 2 गिरफ्तार, लखनऊ लेकर आ रही है एसटीएफ। वाराणसी पुलिस पर लगा बीएचयू में धरना दे रहे छात्रों को जबरन हटाने का आरोप, सिंहद्वार से हटाए गए धरना दे रहे छात्र। आजमगढ़ में बिजली विभाग के एसडीओ की करतूत उजागर हुई है, दफ्तर में बैठ करके शराब का सेवन का आरोप है, तस्वीरें वायरल होने पर मचा हड़कंप। आजमगढ़ में दबंगों ने दुकान खाली कराने को लेकर जमकर की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव, लापरवाही पर कोतवाल सस्पेंड। अमेठी के जगदीशपुर इलाके में हुए सड़क हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, डबल डेकर बस के अनियंत्रित होकर के पलटने से हादसा हुआ, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। इटावा जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सभासद के भाई की गोली मारकर की हत्या, चुनावी रंजिश बताई जा रही है हत्या की वजह। सीतापुर के महमूदाबाद कोतवाली में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद बिगड़ी 40 लोगों की तबियत, सभी सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती हुए, जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने महिला शिक्षक पर किया हमला, क्लासरूम में बच्चों के सामने बेरहमी से पीटा, आरोपी गिरफ्तार। वृंदावन कुंभ में पूर्व वैष्णव बैठक का पहला शाही स्नान कल है, 9 बजे से तीनों अनि अखाड़ों की निकलेगी सवारी, प्रशासन ने सख्त की है सुरक्षा व्यवस्था। बिजली के बड़े बिलों को लेकर एमपी विधानसभा में हंगामा, स्पीकर ने कहा उनके क्षेत्र के किसान भी परेशान, ऊर्जा मंत्री पूरे मामले की करवाएं जांच। छत्तीसगढ़ में 10 महीने में 141 किसानों ने खुदकुशी, किसी को नहीं मिला है मुआवजा, विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर कृषि मंत्री ने दी जानकारी। ग्वालियर में बीजेपी की मीटिंग में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बीजेपी पार्षद और सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के बेटे आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर। कांकेर में नक्सलियों की कायराना करतूत खुद पर भारी पड़ी है, जवानों को टारगेट कर लगाए गए बम का खुद शिकार हुए हैं, भयानक विस्फोट में 2 घायल हुए हैं और 1 की मौत हुई है। दौसा में हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल, किसानों ने अभी तक नहीं दिया निर्माण कंपनी को कब्जा, कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। 12 में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ, आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, चाय में नशीला पदार्थ पिला करके रेप का आरोप है। चुरू के सरदार शहर में विवाहिता को जलाने की कोशिश, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला, पीड़िता ने माता पिता और भाई पर लगाया आरोप। जैसलमेर में मरु महोत्सव की धूम है, गड़ीसर सरोवर पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बताने पर घिरे तेजस्वी, कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर जताई आपत्ति, आरजेडी ने किया बचाव। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने उठाया डॉक्टरों की कमी का मुद्दा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जल्द बहाली का दिया भरोसा। बिहार के विधानसभा परिसर में लेफ्ट के विधायकों ने किया प्रदर्शन, रसोई कर्मियों की सैलरी बढ़ाने की मांग, नौकरी स्थायी करने की भी डिमांड। बिहार पुलिस सप्ताह के समापन समारोह में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, सलामी परेड का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। जमुई में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, एक दूसरे से जमकर की मारपीट, कृषि कानूनों के खिलाफ रैली निकालने के लिए पार्टी कार्यालय में जुटे थे नेता। कटिहार में हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात हवलदार को रौंदा, मौके पर हुई सोहन लाल की मौत, पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। वैशाली में आग का तांडव, आग से जलकर 24 से ज्यादा घर राख, हादसे में 1 शख्स की दर्दनाक मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। गढ़वा में इंसानियत हुई है शर्मसार, नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। गुमला में सीआरपीएफ के जवान ने की खुदकुशी, यूपी के रहने वाले जवान ने खुद को मारी गोली, मामले की हो रही है जांच।
हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, पीजीटी टीजीटी इंग्लिश टीचर्स की भर्ती रद्द करने का विरोध। क्रेडिट कार्ड डाटा स्टोर नहीं कर सकते ऑनलाइन मर्चेंट्स, आरबीआई ने अमेजन माइक्रोसॉफ्ट नेटफ्लिक्स फ्लिपकार्ट जोमेटो की मांग खारिज। एनसी में ट्रेडिंग ठप होने की मूल वजह ढूंढेगा सेबी, एक्सचेंज की कमी हुई तो उसको भी दुरुस्त करेगा। अर्थव्यवस्था के मंदी से बाहर निकलने की रफ्तार बढ़ी, जनवरी में कारोबारी और उपभोक्ता गतिविधियों में तेज सुधार दिखा। 2020 में बड़ी सेकेंड होम की डिमांड, लग्जरी प्रॉपर्टी का प्राइस दुनिया भर में बढ़ा है लेकिन दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु में घटा। अगर राज्य सरकारों ने वैट कम नहीं किया तो जल्द ही देश में ज्यादा जगह पेट्रोल हो सकता है 100 रुपए के पार। एक्सपोर्ट के मामले में फोर्ड नंबर वन बना, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात हुई है इको स्पोर्ट्स, हुंडई ऑरा के निर्यात में 600 गुना की बढ़त है। विराट भारत के सबसे सफल कप्तान बने, घर में 22वां टेस्ट जीतकर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, मोटेरा पर विकेट के लिहाज से सबसे बड़ी जीत। भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट में अनोखा रिकॉर्ड, 86 साल में सबसे कम ओवर में खत्म हुआ मैच, 1945 के बाद एक टेस्ट में सबसे कम गेंद खेली गई। भीड़ में दीपिका पादुकोण के बैग को खींचने की हुई कोशिश, सोशल मीडिया पर दीपिका के वीडियो के चर्चे। शाहरुख खान के साथ सलमान ने फिल्म पैंथर की शूटिंग की शुरू, जबरदस्त लुक में आएंगे नजर। सामने आया दसवीं से यामी गौतम का आईपीएस लुक, बोली फक्र महसूस हो रहा है। समंदर में बिपाशा ने की मस्ती, वीडियो शेयर करते हुए लिखा ये स्वर्ग है, मालदीव में पति और दोस्तों के साथ मना रही है छुट्टियां। अपनी शूटिंग के सेट पर सीन फिल्माते वक्त धड़ाम से गिरी प्रिया प्रकाश, वॉरियर वीडियो हुआ वायरल, प्रिया प्रकाश ने खुद शेयर किया था वीडियो। अमेरिकन पॉप सिंगर लेडी गागा के दो डॉगीज हुए चोरी, यहां चोरों से हाथापाई के दौरान डॉग वॉकर को लगी गोली, गागा ने डॉगी ढूंढने वाले पर रखा $500,000 का इनाम। नेहा कक्कड़ ने की उत्तराखंड हादसे में लापता परिवार वालों की मदद, 3,00,000 रुपयों का किया दान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप का फैसला पलटा, जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटाई, कहा दूसरे देशों के टैलेंट को रोकना हमारे हित में नहीं है। फ्रांस में एक दिन में 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले, अब यहां फिर लॉकडाउन की तैयारी। फिनलैंड में कोरोना को लेकर के बढ़ाई गई सख्ती, 8 मार्च से 3 हफ्ते के लिए फिर लगेगा लॉकडाउन। नासा ने मार्स के सतह की 360 डिग्री हाई डेफिनेशन फोटो जारी की, ये 142 तस्वीरों को मिलाकर तैयार किया गया है। मंगोलिया का कजाक समुदाय जो बाजों के जरिए शिकायत करता है, रिश्ता ऐसा कि बाज को कुछ होने पर लोग भी दुखी हो जाते हैं। डेनमार्क में लाइट फेस्टिवल का आयोजन, राजधानी कोपेनहेगन में लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए जश्न मनाया।